और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए कांग्रेस के मंथन की। तो एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नेताओं से वन टू वन चर्चा की। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस मंथन में वैभव गहलोत, कृष्णा पूनिया, सविता मीणा, ताराचंद भगौरा, रफीक मंडेलिया, प्रमोद शर्मा, बद्रीराम जाखड़, रामपाल शर्मा, देवकी नंदन गुर्जर, राम नारायण मीणा, रतन देवासी ने पांडे से मुलाकात की और चुनाव में मिली हार के कारणों को लेकर मंथन किया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अविनाश पांडे से मुलाकात की और पांडे से रीता चौधरी, राखी गौतम, रामकृष्ण ओझा, दीक्षा भारद्वाज ने भी मुलाकात की। हमारे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को बुलाया गया था। हार के कारण क्या रहा, जहाँ तक हमारा दौसा का सवाल है, राजस्थान में पूरे में दौसा लोकसभा क्षेत्र सबसे कम मतों से मात्र 77,000 मतों से हारी थी और उसका मूल कारण यह रहा था कि हमारे उस दिन आखतीज के सावे थे और ग्रामीण क्षेत्र में आखतीज की भयंकर शादियाँ होती हैं और पोलिंग परसेंटेज जो हमेशा विशेषकर एसटी का जो 75-80 होता है वो सावों की वजह से 50% रहेगा, इस वजह चुनाव हारे, नहीं तो 2 लाख चुनाव जीतते। और आगामी जो संगठन बदलाव है उसको लेकर आपने क्या सुझाव? ये उस संगठन के मामले में तो ये कि हारने का कारण ही पूछे गए थे भाई, संगठन के मामले में नहीं तो उन्होंने कोई सुझाव लिया, नहीं हमने कोई सुझाव दिया, ठीक है, केवल हार कारण पूछे थे। तो फील्ड में थे कि क्या कमी रही थी हमारी, क्या थे, कैसे क्या हुआ था उसके बारे में लिया था और आगे के बारे में देखा था कि हमको क्या करना है, क्या नहीं, जो हमसे कमी रही उनको सुधार कर। पार्टी कैसे हारी इसका मंथन के ऊपर हमने मंथन के ऊपर चर्चा की थी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पांडे साहब को आपको कह रहा हूँ, एक ये तो हवा थी मोदी लहर। मैं आपको कह रहा हूँ 5 दिन पहले हमारी पार्टी की बहुत स्थिति अच्छी थी और हम 10-12 सीटें जीत रहे थे। ये मोदी ने एक राष्ट्रवाद का मुद्दा और इसकी वजह से लोगों में लगा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद को बचा नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोगों में बहुत गलती भावना है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को खड़ा किया है, देश को आज़ादी दिलवाई है, देश ने 60 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वही कांग्रेस है जो कांग्रेस से आगे ले जा सकती है। ये तो खाली बाता का भूत बनाते हैं मोदी जी। तो वहीं पांडे से मुलाकात होने के बाद वैभव गहलोत से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अदिति नागर ने। चुनाव की हार के बाद आज एआईसीसी में फिर एक बार जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं उन्होंने चर्चा के लिए तमाम प्रत्याशियों को बुलाया और इस बीच हार के समीक्षा तो हुई, साथ में जो आगे लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उस पर क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा हुई। हमारे साथ जोधपुर से प्रत्याशी सांसद वैभव गहलोत मौजूद हैं। वैभव जी, क्या कुछ आज इस बैठक में रहा और कितनी इम्पोर्टेंट इस बैठक को आगे की दृष्टि से माना जाए? आज और कल पार्टी महासचिव जो राजस्थान के प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, इन्होंने तमाम लोकसभा के जो कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के उनको आज और कुछ लोगों को कल बुलाया है और आज जो चर्चा मुझसे हुई है विशेष तौर पे उसमें किस तरीके से आगे पार्टी मजबूत रहे, आने वाले जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं उसमें किस तरह से तमाम डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को किस तरह से साथ लेके चलना है, तमाम कार्यकर्ताओं को जो डिमोरलाइज नहीं हों इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। जी, हार को लेकर कोई फीडबैक जैसे जोधपुर से लेकर जितने भी लोग मिलने आए, कोई पर्टिकुलर फीडबैक, कोई एक पर्टिकुलर कारण समझ में आया है कि ये ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा हमसे इन कारणों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए और किस तरीके से पार्टी वर्कर्स को मोटिवेट करके आगे हमें आने वाले चुनाव में पार्टी को वापस खड़ा करना है, चाहे वो निकाय के चुनाव हों चाहे पंचायत के चुनाव आएंगे आने, इस तरह से सारी बात हुई है। हम किसी भी वर्ग में बात करें, खास तौर पे अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आप युवा हैं, पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अभी कांग्रेस की फिलहाल जो दशा है इसको बेहतर बनाने के लिए, जो असमंजस की स्थिति है इसको तोड़ने के लिए आप क्या विजन रखते हैं? मैंने आज अंदर भी जब चर्चा हुई तब यही कहा कि हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, किस तरीके से युवाओं पे फोकस करना है, जहाँ जहाँ हमें मौका मिले किस तरीके से युवाओं को पार्टी संगठन में हमारी जो इकाइयाँ हैं चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, NSY हो, इस तरह इनको भी किस तरीके से वापस मजबूत खड़ा करना है, इस बारे में मैंने मेरा सुझाव दिया। आपको लगता है कि फिलहाल क्योंकि राज्यों में सरकारें उस तरह से नहीं हैं, सिर्फ केवल कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और सांसद भी नहीं हैं, तो अटैक अगर करना है सरकार को या फिर विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो उसके लिए पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी होगी? हाँ, निश्चित तौर पे हमारी संख्या बल पार्लियामेंट में भले ही कम हो मगर पुरजोर तरीके से पार्टी अपना पक्ष रखेगी
और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ प्रदेशों में सरकार है, वहाँ भी हम लोग जनता के हित के लिए काम करेंगे, आम आदमी गरीब किसान मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा पहुँचे, यही सोच के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ती है। एक आखिरी सवाल वैभव जी, अक्सर जब राजस्थान की बात होती है तो डबल पावर सेंटर्स की बात होती है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है या ये केवल उठाई हुई बातें हैं? इस तरह की जो भ्रम है वो दिल्ली तक पहुँचता है और तमाम बातें होती हैं। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं किस तरह के पावर सेंटर्स हैं, यहाँ तो सभी संगठित होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैभव गहलोत ने हमसे बात की और आज जो बैठक हुई जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट फीडबैक तो गई, लेकिन आगे की रणनीति और किस तरीके से मनोबल डाउन ना हो कार्यकर्ताओं का, उसको लेकर आगे की जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उसमें किस तरीके से काम करना है, उस पर तमाम चर्चा हुई। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया, दिल्ली।